विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संत हिरदाराम नगर में विधायक रामेश्वर शर्मा ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बोरबन क्लब के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन देकर उद्यान आम नागरिकों के व्यायाम हेतु खोलने का आग्रह किया। हुजूर विधानसभा से विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने संत हिरदाराम नगर के बोरबन उद्यान में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संत नगरवासी प्रकृति की गोद में बैठे हैं। एक ओर भोपाल की शान बड़ा तालाब है तो दूसरी ओर बोरबन का हरा भरा उद्यान, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी सेहत ठीक करने आते हैं, लेकिन प्रकृति के संरक्षण एवं इसके संवर्धन की जिम्मेदारी बाकियों से ज्यादा है। शर्मा ने कहा कि पौधारोपण करके हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। पौधे का ध्यान हमें एक शिशु की तरह देना होगा। जो जो जगह आप चिन्हित कर देंगे, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि मौसम ने अचानक साथ दिया है। वैसे अभी नौतपा और गर्मी का लास्ट बॉर्डर पर अपन खड़े हैं, पर यहाँ हरियाली है। इस हरियाली को और चार चांद लगे और हरा भरा रहे, इसलिए विश्व पर्यावरण के उपलक्ष्य में आज अपन ने संयुक्त रूप से नागरिक, व्यापारी, पत्रकार साथी, सब लोगों ने मिलकर ज्वाइंट हमने यहाँ पर वृक्षारोपण लगाकर एक संकल्प लिया है। पर संत हिरदाराम नगर में जो जो जगह आप चिन्हित बताएंगे, जहाँ जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है, चार महीने जो चतुर्मास है बारिश के, आज से लेकर अक्टूबर तक अपने पास पर्याप्त समय है। आप जगह बताते जाइए, हम वृक्षारोपण कराते नहीं जाएंगे बल्कि आपसे ही करवाएंगे। पूर्ण सुरक्षा देंगे, जब पेड़ लगाएंगे तो उसकी सुरक्षा ही अभी की है। अब वो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बैरागढ़ में कल रात को 2 पॉजिटिव केस आए, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि सब दूर की गतिविधियां, हमारा एकदम व्यापारिक प्रतिष्ठान सब दूर खुल चुके हैं, शहर में आवाजाही तेजी से बढ़ी है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, अंदर के लोग भी हैं, और दूसरे सोशल मापदंड की जो आप बात कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।